स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेस्टी मूली का अचार, और वो भी 5 मिनट में बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो सबसे पहले ये मैंने ली है मूली। मूली को मैंने इस तरीके से छील लिया, यानी इनके छिलके छील लेने और धो लेने, यानी पहले धो लेनी है, फिर उसके बाद काट के हमें आधे घंटे के लिए इनको धूप में रख देना है। जो भी पानी होगा वो निकल जाएगा, क्योंकि हम कोई सा भी अचार डालते हैं तो उसके अंदर पानी का नहीं होना चाहिए, नहीं तो अचार खराब होने के चांस होते हैं। तो अब ये मैंने इनको धूप में आधे घंटे के लिए सुखा दिया था। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये एक मैंने बाउल ले लिया, बाउल के अंदर ये सारी मूली डाल दूंगी मैं। तो ये मूली मैंने आधा किलो ली है, तो आधा किलो के हिसाब से मैं सामान ले रही हूँ। अगर आप ज्यादा लेते हैं मूली तो उसके सामान की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा बढ़ा लें। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ऑयल। तो ये मैंने सरसों का ऑयल लिया है, आप रिफाइंड भी ले सकते हैं अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते तो आप इसकी जगह इसको गरम करके भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको वैसे ही ले सकते हैं। तो ये मैंने 2 चम्मच लिया है। तो इसके अंदर ये मैंने ऑयल डाल दिया है। फिर उसके बाद ले रही हूँ मैं ये सरसों की दाल। तो इसके अंदर मैंने डाल रही हूँ राई। तो ये मैंने 2 चम्मच ली है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच ये नमक। अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो इसको मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। तो इसके अंदर हम राई इसलिए मिलाते हैं कि ये खट्टा हो जाए, और ये अचार बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और सबसे जल्दी बनके तैयार हो जाता है। इसको 2 दिन के लिए धूप में रखिए और मूली का अचार बनके बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो अब ये इसको मैंने सारे मिक्स कर लिए, अब एक कंटेनर में इसको मैं भर दूंगी। तो ये मैंने जार ले लिया है, तो जार के हम अचार को डाल देंगे इस तरीके से। तो मैं सारा अचार इसके अंदर भर दूंगी। अचार को मैंने जार के अंदर भर दिया है। आप 2 दिन के लिए इसको धूप में रख दें, उसके बाद ये बनके बिल्कुल तैयार है। खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी लगता है, खट्टा खट्टा खाने में बहुत मजा आता है। और सर्दियों में मूलियां भी बहुत टेस्टी आती हैं और सस्ती आती हैं। तो इसका अचार आप आसानी से बना सकते हैं। अगर आपको मेरे मूली के अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है।